ई रूपी यूपीआई। भाई साहब ये एक ऐसी खतरनाक चीज जो लॉन्च की गई है मोदी जी द्वारा, ये दुनिया को पलट के रख देगी, ये दुनिया का नजरिया बदल देगी गवर्नमेंट के पैसों को लेकर, या आपका नजरिया बदल देगी पेमेंट करने को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं पेमेंट सेक्शन में फिलहाल इस इंडिया में। अगर आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये वीडियो ना आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी तक आपको नहीं पता है या नहीं अंदाज़ा है कि ये ई रूपी क्या है, जो कि रिसेंटली अभी 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को लॉन्च किया गया 2021 में मोदी जी द्वारा, यूपीआई का ई रूपी वर्जन जो कि एकदम लेटेस्ट है, और इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आपको जब पता चलेगा ना तो आपको भी प्राउड होगा एज एन इंडियन, और आपको इतना प्राउड होगा इसलिए क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा ये वीडियो देखने के बाद कि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी और कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, आप देख रहे हैं इनिशिएटिंग टेक चैनल को। तो ज्यादा ना देर करते हुए लेट्स डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। तो दोस्तों आज से करीब 5 से 6 साल पहले की बात करें तो जब 11 अप्रैल 2016 को पहली बार यूपीआई लॉन्च हुआ था, हम सब लोगों के लिए वो काफ़ी नई चीज़ थी। तो हम मार्केट में पेटीएम आया, पेटीएम ने कई सारे हमें ऑफर्स के लालच दिए, जिससे कि हमने धीरे धीरे पेटीएम को इंस्टॉल किया, और जब हम पेमेंट करते थे हमें बहुत अच्छा कैशबैक मिलता था। तो इस तरह हमने यूपीआई को अडॉप्ट किया और उसे यूज़ करना चालू किया। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आप खुद भी जानते हो कि अगर आप एक यूपीआई यूज़र हो, भले वो किसी भी पेमेंट एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हो, भले वो भीम हो, पेटीएम हो, या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, लेकिन आप यूपीआई की पेमेंट जरूर करते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी होता है, हमें कैश कैरी नहीं करना पड़ता, आप कहीं पे भी जाओ, जितनी भी महंगी ट्रांजेक्शन हो आप वो यूपीआई से कर सकते हो एक लिमिट तक, और वो बहुत ज्यादा सुविधाजनक हमारे लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कैश रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ हम एक क्लिक से, एक छोटे से पिन से हम कोई भी जो ट्रांसफर है, कोई भी पेमेंट है, वो हम किसी भी शॉपकीपर के पास कर सकते हैं। आज के टाइम पे देखें तो इंडिया में चाहे वो बताशे वाले हो, फुलके वाले हो, फूड स्टॉल्स वाले हो, अच्छे से रिटेल स्टोर्स वाले हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मॉल्स हो, हर किसी के पास आपको यूपीआई पेमेंट की सुविधा मिलेगी, भले वो किसी भी एप्लीकेशन की हो। आप बहुत आसानी से ये सोचकर बाहर निकल सकते हो अपने घर से कि कोई बात नहीं भाई, कैश नहीं है, हमारे पास यूपीआई पेमेंट है, हम कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 अगस्त 2021 को मोदी जी ने एक और ऐसा पेमेंट ऑप्शन हमारे लिए ले आया है जो कि बहुत ज़्यादा करप्शन को हटा सकता है इस गवर्नमेंट के सिस्टम से, और जो गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स लाती हैं, हम तक पैसा पहुंचाने का वादा किया जाता है गरीब लोगों तक, वो उन तक पहुंचेगा। और इस बार पहले जैसे नहीं होता था राजीव गांधी जी के टाइम पे कि कहा जाता था कि अगर हम 100 रुपये बांटने के लिए चलते तो उसे लोगों तक 55 पहुंचते, और अभी की हालत तो मुझे लगता है ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपये बांटने के लिए निकालती है तो वो लोगों तक पहुंचते सिर्फ 10 ही रुपये बचते हैं, और वो 90 रुपीज़ ना वो करप्टेड ऑफिसर्स के बीच में कहीं ना कहीं बट जाते हैं, या तो पहुंचते नहीं हैं हम तक। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रॉब्लम थी, इसको ये ई रुपया सॉल्व करने वाला है, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखते रहिएगा एंड तक, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं कि ई रुपया क्या होता है। तो फिलहाल जब इसे 2 अगस्त को लॉन्च किया गया मोदी जी द्वारा, तो ये मतलब जब सुना मैंने इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली कि एक्चुअली में ई रुपया क्या है, तो मेरे भी होश उड़ गए। तो ये किस तरह काम करता है आइए जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली और उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हम 2,000 रुपये जो है पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उन 2,000 रुपयों से वो अपने उस साल का स्टडी मटेरियल खरीद लें और उसके बाद उसे अपने एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करें। लेकिन क्या होता है, आप भी जानते हो गवर्नमेंट स्कूल्स तक कितना पैसा पहुँचता है, और 2,000 रुपये पहुँचते पहुँचते वो 500 बचता है, 500 बच्चों तक पहुँचते पहुँचते वो हो जाता है 100-150 रुपये सिर्फ। तो इस तरह के फिलहाल प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है। लेकिन अब ये ई रुपया किस तरह काम करेगा, तो ई रुपया काम करेगा इस तरह कि यहाँ पर पहली बात तो चलिए जानते हैं कि मेन हेड पे कौन है। यहाँ पर हमारे मेन हेड पे NCPI है, यानी कि नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया,
और इसी के अंतर्गत यानी इसी के नीचे, इसी अम्ब्रेला के नीचे सारे पेमेंट गेटवेज काम करते हैं आरबीआई के, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यूपीआई हो, आरबीआई के हो, नॉर्मल एनटीएफसी हो, जो भी जितने भी सारे पेमेंट्स होते हैं आरटीजीएफ वगैरह, सब ये एनसीपीआई के अंदर काम करते हैं, नेशनल कोऑपरेशन पेमेंट्स ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के अंतर्गत ई रुपया भी आता है। तो ये ई रुपया यूपीआई पेमेंट किस तरह काम करने वाला है, देखिए इससे क्या होगा। मान लीजिए मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमें बच्चों तक 2,000 रुपये पहुँचाने हैं, लेकिन वो किस तरह पहुँचता है आप भी जानते हो, मैंने भी बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे किस तरह काम करेगा, मान लीजिए मोदी जी के पास या गवर्नमेंट के पास उन सारे बच्चों की लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं फ्री में, जो गरीब बच्चे हैं, और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है बच्चों के व्हाट्सएप को लेकर और बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, ताकि वो उन तक अपना मैसेज पहुँचा पाएँ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक क्यूआर कोड। तो अभी तक की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो और मज़ा आ रहा हो सुनने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाने के लिए। और बाकी अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये जो QR कोड होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्विक रिस्पॉन्स होता है। जब भी आप शॉपकीपर का QR कोड उसे मांगते हो और अपने कैमरे में उसे जैसे ही दिखाते हो, तो क्विक रिस्पॉन्स होता है और आपके फोन में एक पेमेंट गेटवे खुल जाता है, जिसमें आप अपना अमाउंट डाल के पेमेंट कर पाते हो। इसी तरह एक क्विक रिस्पॉन्स वाला QR कोड जो है उन बच्चों के स्मार्टफोन्स तक पहुँचाया जाएगा। और मान लीजिए अगर बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, नॉर्मल फोन्स हैं, तो उन पर एक शॉर्ट मैसेज भेजा जाएगा, यानी एक SMS भेजा जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो आप काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हो, आपको पता है, एक कोड भेजा जाएगा। तो इस तरह बच्चों के पास अपने 2,000 रुपये वाला QR कोड या एक शॉर्ट SMS पहुँच जाएगा। अब बच्चों को अगर बुक खरीदनी है, तो वो बहुत आराम से किसी भी एक बुक रिटेल स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे उस QR कोड को स्कैन कराएंगे और उनके बदले उन्हें 2,000 रुपये की अपनी किताबें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ आता है, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो बीच का जितना भी गेटवे था, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे पैसों को पहुँचाने, वो सब बीच में से चला गया। एग्जैक्ट 2,000 रुपये बच्चों तक पहुँच गए। लेकिन अब क्या, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे भी उन पैसों का मिसयूज़ करें। तो यहाँ पर जो मेन बात पलटती है वो ये कि बच्चे उसे और कहीं यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए उनमें से बच्चे, उन्होंने सोचा कि हाँ, उनके पेरेंट्स ने मान लीजिए सोच लिया कि यार 2,000 रुपये गवर्नमेंट से मिले, एक काम करते हैं, इस 2,000 रुपये का हम कुछ और कर लेते हैं, घर के लिए राशन ले आते हैं, या इस 2,000 रुपये से हम घर की मरम्मत करा लेते हैं, या इस 2,000 रुपये से मान लीजिए अगर उनके फादर हैं वो पीते हैं बहुत, तो उन्होंने सोचा चलो दारू ले आते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर उस QR कोड को वो इंसान दारू के ठेके पे ले जाएगा और उसे स्कैन कराएगा, वो वहाँ इनवैलिड बताएगा, या फूड रिटेल स्टोर्स पे जाएगा वहाँ पे दिखाएगा, तो वो कोड इनवैलिड दिखाएगा। वो सिर्फ कोड काम करेगा बुक रिटेल स्टोर्स पे, क्योंकि उस कोड के इन्फॉर्मेशन उस एरिया के सारे बुक रिटेल स्टोर्स को भेज दी जाएगी कि जब आपके पास ये QR कोड आएगा तभी आप स्कैन करके पेमेंट ले पाओगे, बाकी वो QR कोड कहीं भी नहीं काम करेगा। तो इस तरह जो बच्चे भी हैं, उन बच्चे हैं चाहे उनके पेरेंट्स हैं, उस तरह वो उस QR कोड के उस 2,000 रुपये का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यार ये इतना कमाल का है, मतलब आप 1 रुपये का भी नुकसान कहीं नहीं होने वाला, गवर्नमेंट का भी और बच्चों का भी। ऐसे ही करके जितने भी हो सकता है किसानों तक पैसा पहुंचाना हो, फर्टिलाइजर्स तक, और बहुत सारे लोगों तक पैसा पहुंचाना हो, जनधन योजना के थ्रू भी पहुंचाना अगर मन करे, तो इस तरह जो है पेमेंट्स पहुँचाए जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कंप्लीट पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है। यहाँ पे तो NCPI है, उन्होंने क्या किया है कि जब वो ऐसा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा, मोदी जी हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है हमें किसानों तक जो है 1,000-1,000 रुपये तक का जो है रुपए भिजवाने हैं, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन NCPI को दे दी गई और सारी इन्फॉर्मेशन किसानों की दे दी गई कि हाँ इन इन किसानों के पास इस एरिया में हमें 1,000-1,000 रुपये के शॉर्ट मैसेज और QR भेजने हैं। तो NCPI क्या करेगा कि फिलहाल उस 1,000 रुपये के पेमेंट्स का पूरा QR कोड बनाएगा और उस QR कोड की 3 कॉपीज बनाएगा। उसमें क्या करेगा, पहली कॉपी वो हमेशा अपने पास रखेगा, फर्स्ट कॉपी देगा उन स्टोर्स में जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑथराइज सेलर्स हैं पेस्टिसाइड्स के। आजकल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, छोटे छोटे गांव में गवर्नमेंट ने मोदी जी की तरफ से एक रजिस्टर्ड सेलर्स बना दिए गए हैं जो कि वहां पे फर्टिलाइजर्स देते हैं आधार कार्ड के थ्रू जो भी फार्मर्स हैं हमारे। तो उस तरह वो उन जितने भी रिटेल स्टोर्स होंगे उनके पास एक कॉपी भिजवा देगा सारे QR कोड्स की, और एक
QR कोड की कॉपी पहुंचा देगा सारे फार्मर्स के पास। तो ये सिस्टम इस तरह काम करेगा, मान लीजिए जैसे उसके पास QR कोड फार्मर के पास पहुंचा, वो रिटेल स्टोर जाएगा जो कि फर्टिलाइजर वाला है, वहां पे वो QR कोड स्कैन कराएगा, वहां पे उसके 1000 रुपये स्कैन हो जाएंगे, फिर उन 1000 रुपये से वो आराम से पेस्टिसाइड्स खरीद पाएगा। अब आप सोचेंगे कि NCPI के पास QR कोड क्यों रखा है, मान लीजिए पेमेंट गेटवे है, डिजिटल चीज़ है, उसमें भी बग्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो मान लीजिए उस समय स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर फ़ोन करके NCPI से बात हो जाएगी और फिर वो एक अपने पास जो QR कोड होगा उससे वेरीफाई करके आपका पेमेंट करा सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम काम करने वाला है। फिलहाल तो ये एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे, इसके साथ सिर्फ कुछ बैंक्स जुड़े हैं जो ये QR कोड बनाएंगे, जैसे कि HDFC हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, कोटक हो गया, तो ये सब बड़े बड़े बैंक्स, फिलहाल 5-6 बैंक जुड़े हैं जो इस प्रोसेस को करेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए, जिस तरह हम UPI को अपना चुके हैं, हम ATM कार्ड्स को अपना चुके हैं अपनी लाइफ में, अगर हमने इस e-रुपया को गवर्नमेंट ने अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना लिया और हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर लिया, तो सोचिए पेमेंट जो है कितना सिक्योर्ड हो जाएगा कंपनियों के लिए और कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसने कहा कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं सबके पास जो है ट्रैवल करने का अमाउंट या फिर होटल्स में रुकने का अमाउंट एक होना चाहिए, और उन्होंने क्या किया कि एक QR कोड बनाया और वो होटल्स में जाके दे दिया उस एरिया में, या अगर हमारे कंपनी के एम्प्लॉय आएंगे तो आप ही के होटल में रहेंगे, तो इस तरह एक होटल को QR कोड दे सकती कंपनी और एक QR कोड दे सकती एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ उसी QR कोड को सिर्फ उसी होटल में यूज़ कर पाएंगे जिस होटल से वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो इस तरह कंपनी का भी पैसा बचेगा, होटल का भी अपना काम हो जाएगा जो भी उनकी डील होगी, और एम्प्लॉयज़ भी उन पैसों का मिसयूज़ ना करके किसी और सस्ते होटल में रुके पैसे को बचा पाएंगे। तो ये इस तरह का एक सिस्टम बन गया, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। तो किस तरह का डिजिटल इंडिया होने वाला है आप इमेजिन कर सकते हो, या नहीं कर पा रहे तो मैं बता दो, बहुत बेहतरीन होने वाला है और हम एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे और एक बहुत सेफ होगा इस मनी कंट्रोल को लेकर। तो बहुत बहुत सल्यूट है मोदी जी को जिन्होंने ये आइडिया निकाला, साथ साथ NCPI को जो ये सिस्टम को रन कर रहे हैं, और जिस भी इंसान ने इस सिस्टम को फाउंड किया ना, यह सल्यूट है आपको। तो बहुत बहुत थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर आप e-रुपये के बारे में और जानना चाहते हो तो गूगल करिएगा, आपको और भी कई सारे फैक्ट्स पता चलेंगे वहाँ पर, आप किस तरह यूज़ कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अभी से शुरू से लेकर अंत तक अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस e-रुपी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, मुझे नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। बाकी अगर आपके मन में क्या सवाल है, आप e-रुपी को लेकर क्या सोचते हो, क्या आप यूज़ करोगे और आपको क्या लगता है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी थॉट्स जानने में बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम रील्स डालते हैं इन्फॉर्मेटिव, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम ऑफर्स डालते हैं नए नए, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, आप सफाई रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर कैरी कीजिए, और साथ ही साथ वैक्सीनेटेड हो जाइए। थैंक यू सो मच।